अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबीना मुहम्मद इब्न अब्दुल्लाह व अला आलिहि व असहाबिहि व अज़वाजिहि व मन वालाहु इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم। इस प्रोग्राम में मौजूद हमारे तमाम काबिले एहतराम सामईन किराम और ख़वातीन मिल्लत, अज़ीज़ बच्चों और बच्चियों, आज के इस लाइव प्रोग्राम में मैं माहे मुहर्रम के ताल्लुक से चंद नहायत कार आमद और मुफीद बातें लेकर हाजिर खिदमत हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हर आने वाला दिन और रात, महीना और साल हम तमाम मुसलमानों के लिए खैर बरकत, अमन व शांति का सामान बनाए और पिछली जिंदगियों पर हमें और आपको अपने नफ्स का हिसाब व किताब और मुहासबा करने की तौफीक अता फरमाए, खोई हुई चीज़ों को हासिल करने की तौफीक अता फरमाए और अपनी ख़ताओं और गलतियों से सच्ची तौबा करने की तौफीक दे और कबूल फरमाए, आमीन। आज सऊदी अरब के अंदर साल के आखिरी महीना ज़िलहिज्जा की 27 तारीख है और चंद दिनों के बाद ये 1441 हिजरी हमसे और आपसे रुखसत हो जाएगा। गोया हमारी ज़िंदगी जो अल्लाह ताला के इल्म में है, उस मुतय्यन ज़िंदगी से एक साल कम हो जाएगा। हम और आप जानते हैं कि ज़िलहिज्जा ये अरबी हिजरी महीने, अरबी हिजरी साल का आखिरी महीना है और चंद दिनों के बाद नया साल 1442 हिजरी शुरू होने वाला है। साल का आखिरी महीना, हिजरी साल का आखिरी महीना ये ज़िलहिज्जा का महीना होता है और हिजरी साल का पहला महीना ये अल्लाह ताला का महीना मुहर्रमुल हराम का महीना होता है। और जब हम कुरान करीम और अहादीथ नबवीया का मुतालआ करते हैं तो माहे मुहर्रम के सिलसिले में बहुत सारी फजीलतें और बहुत सारी बरकतें हमें मिलती हैं और एक तरह से मुसलमान के लिए लायक और मुनासिब है कि वो अपने हिजरी साल के पहले महीने की फजीलत और उसके अहकाम और मसाइल को जाने और वो समझे कि हमारे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इस माहे मुहर्रम के अंदर क्या किया है, किस अमल के करने पर उभारा है और किन किन अमलों से दूर रहने की तलकीन और वसीयत की है। सामईन किराम, हमें और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए
कि मुहर्रमुल हराम का महीना ये अल्लाह ताला का महीना है और खुसूसियत के साथ इस माह मुहर्रम की निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ फरमाई है और ये हिजरी साल का पहला महीना है। माह मुहर्रम उन चार महीनों में से एक है जिसे अल्लाह ताला ने अशहुरे हुरम या हराम महीने बनाए हैं और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माह मुहर्रम के बहुत सारे अहकाम मसाइल और फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। चुनाचे माह मुहर्रम की फजीलतों में से पहली फजीलत ये है कि इस महीने की निस्बत और संबंध खुसूसियत के साथ अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की है। चुनाचे साल के 12 महीनों में से हर महीना अल्लाह ताला ही का बनाया हुआ महीना है और हर महीने का हर पल हर दिन ये अल्लाह ताला ही का बनाया हुआ है। लेकिन साल के 12 महीनों में से किसी महीने की खुसूसियत के साथ निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ नहीं फरमाई है सिवाय माह मुहर्रम, मुहर्रम के महीने के, मुहर्रम के महीने का महीने की के महीने की निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की है। ये मुहर्रमुल हराम की अजमत और फजीलत की दलील है। दूसरी फजीलत माह मुहर्रम की कि अल्लाह ताला ने पूरे साल के पूरे साल में से 4 महीने हराम महीने करार दिए हैं। हुरमत वाला महीना, अजमत वाला महीना और उन 4 हराम महीनों में से मुहर्रमुल हराम का महीना एक है। गोया अल्लाह ताला ने मुहर्रम के महीने की निस्बत खुसूसियत के साथ अपनी तरफ की है। दूसरी बात, मुहर्रमुल हराम का महीना उन 4 महीनों में से एक है जिन्हें अल्लाह ताला ने हराम महीना करार दिया है। माह मुहर्रम की निस्बत अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ अपनी तरफ की है। इसको समझने के लिए हम मिसाल के जरिया इस तरह समझ सकते हैं कि पूरी रूए ज़मीन ये अल्लाह ताला की बनाई हुई ज़मीन है और ये अल्लाह ताला की कुदरतों की निशानियों में से अजीम तरीन निशानी है। पूरी ज़मीन ये अल्लाह ताला ही की बनाई हुई है, लेकिन मस्जिदों को बैतुल्लाह कहा जाता है, अल्लाह का घर कहा जाता है, काबा को काबतुल्लाह कहा जाता है। हालांकि दुनिया की सारी मस्जिदें इसी रूए ज़मीन पर हैं, काबा शरीफ इसी रूए ज़मीन पर है, लेकिन खुसूसियत के साथ मस्जिदों की निस्बत अल्लाह ताला की तरफ करके बैतुल्लाह अल्लाह का घर कहा जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह तौबा की आयत नंबर 36 के अंदर बयान फरमाया, इन्ना इद्दता शुहूरी इंदल्लाह 12 शहरन फी किताबिल्लाह यौमा खलक समावात वल अर्द। यकीनन महीनों की संख्या और गिनती अल्लाह ताला के नज़दीक अल्लाह की किताब में कुल 12 हैं। जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को पैदा फरमाया। गोया सूरह तौबा की आयत नंबर 36 से हमें ये बात मालूम हुई कि ये साल के 12 महीने अल्लाह ताला की किताब में ये पूरे साल के 12 महीने हैं। और लुत्फ की बात यह है, समझने की बात यह है कि
कि ये महीने जो साल के 12 महीने हैं और हिजरी साल की शुरुआत मुहर्रमुल हराम के महीने से होती है और हिजरी साल का आखिरी महीना जुल्हिज्जा का महीना है, चुनाचे मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल थानी, जुमादुल उला, जुमादुल उखरा, रजब, शाबान, रमदान, शव्वाल, ज़िकाद, ज़िलहिज, ये साल के 12 महीने उसी दिन से हैं जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीनों को पैदा फरमाया। मिनहा अरबातुन हुरुम, ये साल के इन 12 महीनों में से 4 महीने हराम महीने हैं, अजमत वाले महीने हैं, अल्लाह के यहां मोहतरम महीने हैं, और उनमें उन 4 महीनों में से 3 महीना लगातार है, दुलकादा, दुलहिज्जा और मुहर्रम, और चौथा हराम महीना रजब का महीना है जो शाबान से पहले वाला महीना है। ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ, यही सीधा दीन है, फला तजलिमो फीहिन अंफुसकुम, चुनाचे अल्लाह ताला ने साल के 12 महीनों में से जिन 4 महीनों को हुर्मत वाला महीना करार दिया है, हराम महीना करार दिया है, उन महीनों के अंदर ज़ुकादा, ज़ुलहिज्जा, मुहर्रम और रजब के अंदर खुसूसियत के साथ अपने ऊपर, अपने मुसलमान भाइयों के ऊपर, अपने दीन के ऊपर, अपनी शरीयत के ऊपर, अपने इस्लामी मिजाज और इशारे के ऊपर जर्रा बराबर जुल्म ना करो, क्योंकि अल्लाह ताला ने आम तौर पर जुल्म को हराम करार दिया है। खुद अल्लाह ताला ने अपने ऊपर जुल्म को हराम करार दे दिया और अपने बंदों के माबैन, अपने बंदों के अंदर भी जुल्म को हराम करार दिया। जुल्म हमेशा हराम है, जुल्म का अंजाम हमेशा तारीकी है, दुनिया के अंदर भी और आखरत के अंदर भी। लेकिन इस आयते करीमा के अंदर फला तदलिमो फीहिन अंफुसकुम, इन 4 हराम महीनों में खुसूसियत के साथ खास तौर पर अपने ऊपर जुल्म न करो। इस आयते करीमा से ये बात वाजे हुई कि अल्लाह ताला ने साल के 12 महीनों में माह मुहर्रम को शरफ, रुतबा और मकाम अता किया है और इसे अल्लाह का महीना करार दिया है। इसके शरफ और मकाम की वजह से इसकी निस्बत अपनी तरफ अल्लाह ताला ने की है। चुनाचे जब माह मुहर्रम हराम महीनों में से एक महीना है, चुनाचे किसी भी अल्लाह के बंदे के लिए या मखलूक के लिए ये जायज नहीं कि इसे हलाल महीना समझे। जैसा कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ के अंदर इन 4 महीनों की हुर्मत की गवाही देते हुए और इन 4 महीनों को हराम महीना करार देते हुए अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने फरमाया है। हजरत अबू बकरा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन ज़माना कद इस्तदारा का है अति ही यौमा खलक अल्लाहु समावात वल अर्द, ज़माना अपनी हालत पर वही घूम करके आ गया जिस दिन अल्लाह ताला ने आसमानों और जमीन को पैदा फरमाया था। असना इतना अशरा शहरन, साल 12 महीने का होता है, मिन्हा अरबातुन हुरुम, उन 12 महीनों में से 4 महीने हराम महीने हैं, हुर्मत वाले महीने हैं, सलातुन मुतवालियात, 3 उन 4 हराम महीनों में से 3 महीना लगातार पैदर पै हैं, दुलकादा, दुलहिज्जा और मुहर्रम, और चौथा
महीना रजब है जो जुमादल उखरा और शाबान के दरमियान होता है। ये रजब का महीना जुमादल उखरा और शाबान के बीच में होता है और ये बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की हदीस है। गोया साल में 12 महीने होते हैं, उन 12 महीनों में 4 महीने हराम महीने हैं, जुल्कादा दुल्हिज्जा मुहर्रम ये 3 महीने लगातार हैं और चौथा हराम महीना ये रजब का महीना है जो जुमादल उखरा और शाबान के बीच में होता है। उलमाए किराम ने इस बात को राजह करार दिया, कुछ उलमाए बल्कि बेशतर उलमाए किराम ने इस बात को राजह करार दिया है कि अशहुरे हुरम में से हराम 4 हराम महीनों में से सबसे अफजल महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। ये चारों महीने अफजल महीने हैं, इनकी हुरमत की गवाही देने की वजह से, लेकिन इन 4 महीनों में सबसे अफजल महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। ये बहुत सारे उलमा का कौल है और इसको राजे करार दिया है। चुनाचे अल्लामा इब्ने रजब रहमहुल्ला ने फरमाया है कि हराम महीनों में से कौन सा महीना सबसे अफजल है, उसकी अफजलियत दूसरे हराम महीनों में है। तो इस सिलसिले में इब्ने रजब फरमाते हैं कि हराम महीनों में से सबसे अफजल महीना अल्लाह ताला का महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। और सुनने नसई की रिवायत जब हम देखते हैं, जिसे हजरत अबू दर गफारी रदियल्लाहु ताला अन्हो ने बयान किया है, कहते हैं सअलतु नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युल लैली खैर व अय्युश शहरी अफदल। मैंने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तफसार किया, सवाल किया, पूछगछ किया कि रात का कौन सा हिस्सा सबसे अफजल है और कौन सा महीना सबसे अफजल है। तो इसके जवाब में आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैरुल लैली जौफु, सबसे रात का सबसे बेहतर हिस्सा बीच वाला यानी आखिरी पहर है। वह अफ़ज़ल अशहुरी शहरुल्लाही लदी तदउनहु अल-मुहर्रम, और सबसे अफजल महीना यानी हराम महीनों में से सबसे अफजल महीना वो अल्लाह का वो महीना है जिसे तुम लोग मुहर्रमुल हराम का महीना कहते हो, या मुहर्रमुल हराम के महीने से जिसे तुम लोग याद करते हो। गोया इस हदीस से अल्लामा इब्ने रजब रहमहुल्लाह ने इस्तदलाल किया है कि 4 हराम महीनों में से सबसे अफदल महीना अल्लाह का महीना मुहर्रमुल हराम का महीना। तो मुहर्रम का की फजीलत, ये हराम महीनों में से एक महीना है। दूसरी फजीलत, अल्लाह ताला ने इसकी निस्बत खुसूसियत के साथ अपनी तरफ की है। तीसरी फजीलत, अल्लाह ताला ने खुसूसियत के साथ इस मुहर्रम के अंदर अशुरे हुरम के दिगर महीनों के हिसाब के साथ साथ अशुरे हुरम में के दूसरे महीनों के साथ साथ मुहर्रमुल हराम के महीने में खुसूसियत के साथ जुल्म व ज्यादती को हराम करार दिया है। चुनाचे इस महीने के अंदर मुहर्रमुल हराम के महीने के अंदर कत्लो गारत गरी की इब्तिदा और शुरुआत हराम है, जैसा कि अल्लामा इब्ने कथीर रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि अगरचे उलमाए किराम का इस सिलसिले में इख्तलाफ है कि माह मुहर्रम में कताल जंगो जदाल शुरू किया जाए ये मनसूख है कि नहीं मनसूख है, इस सिलसिले में अगरचे उलमाए किराम में से कुछ लोग कहते हैं कि ये मनसूख है और कुछ लोग कहते नहीं, माह मुहर्रम के अंदर
क़िताल की इब्तिदा, जंग की इब्तिदा हराम करार दिया गया है। मेरे मुसलमान भाइयों और साथियों, माह मुहर्रम की फजीलत में से तीन फजीलत मैंने बतलाया। हराम महीना है, नंबर दो इसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ की गई है, नंबर तीन खसूसियत के साथ इसके अंदर जुल्म ज़ाती से रोका गया है, नंबर चार उलमाए किराम में से अक्सर उलमा ये बात भी कहते हैं कि इस महीने में कत्ल की इब्तिदा, जंगो जिदाल की इब्तिदा, मारकाट की इब्तिदा करना मना है। आइए इसकी दूसरी खसूसियत के साथ एक दूसरी फजीलत माह मुहर्रम के आशूरा के रोजे के सिलसिले में हम और आप समाअत करें। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ के अंदर बयान फरमाया, माह मुहर्रम का रोजा ये अफजल तरीन रोजे में से है, उन रोजों में से है जिन रोजों को अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अफदल करार दिया, यानी नफली रोजे, फर्ज रोजे तो रमजान मुबारक के अंदर ये सबसे ज्यादा अफजल है, क्योंकि रमजान मुबारक का रोजा ये फर्ज और वाजिब है, और इस वजह से भी कि रमजान मुबारक का रोजा इस्लाम का चौथा रुकन है, लेकिन नफली रोजों में अफजल रोजा ये माह मुहर्रम का रोजा है। चुनाचे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस शरीफ के अंदर बयान फरमाया, जो रिवायत सही मुस्लिम शरीफ की है, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस शरीफ के अंदर बयान फरमाया, अफदलुस्सियामी बादा रमदान शहरुल्लाहिल मुहर्रम, रमदान मुबारक के बाद सबसे अफजल रोजा अल्लाह के महीना मुहर्रमुल हराम का रोजा है, मुहर्रमुल हराम का रोजा है। इस हदीस पाक से ये बात साबित होती है कि मुहर्रम का महीना ये अफजल महीनों में से है, साथ ही साथ माह मुहर्रम का रोजा ये उन नफली और सुन्नत रोजों में से है जिसको जिनको अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम ने अफजलुल सबसे अफजल रोजा करार दिया है। यकीनन बड़ा ही सआदतमंद है वो मर्द और बहुत ही खुशनसीब है वो औरत जिसको अल्लाह ताला की जानिब से मुहर्रम के महीने में कसरत के साथ रोजा रखने की तौफीक दे दे। इस हदीस पाक से कि अल्लाह रमजान मुबारक के बाद अल्लाह के महीना मुहर्रमुल हराम का रोजा सबसे अफजल रोजा है और सही रिवायत है, सही मुस्लिम की हदीस है, इस हदीस पाक से बहुत सारे उलमाए किराम ने दलील पकड़ते हुए कहा है कि इससे मुराद पूरे माह मुहर्रम का रोजा है, एक मुहर्रम से लेकर के मुहर्रम की तीसवीं तारीख तक, या अगर 29 का हो तो 29 तक पूरे महीने का रोजा सबसे अफजल है। बहुत सारे उलमाए किराम ने इस हदीस से, इस हदीस के जाहिर से इस्तदलाल करते हुए, दलील पकड़ते हुए कहा है कि यह हदीस इस बात पर दलालत करती है, इस बात को साबित करती है कि पूरे मारे माह मुहर्रम का रोजा ये अफजल तरीन रोजा है। साथ ही साथ कुछ उलमाए किराम ने इस हदीस से ये दलील पकड़ी है कि इस महीने के अंदर कसरत के साथ ज्यादा से ज्यादा रोजा रखना चाहिए। बहरहाल चाहे हम पूरे महीने का रोजा रखें जायज है, और चाहे हम कसरत के साथ ज्यादा से ज्यादा इस महीने का हम रोजा रखें, क्योंकि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला बयान करती हैं
कि मा रअयतु रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तकमला सियाम शहरिन कत्तु इल्ला रमदान। अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला ने बयान फरमाती है कि हमने रमदान मुबारक के अलावा अल्लाह के रसूल अकरम सन को कभी नहीं महसूस किया देखा कि आपने पूरे महीने का रोजा रखा है। सबसे ज्यादा अल्लाह के रसूल शाबान के महीने में रोजा रखा करते थे, ये सही मुस्लिम की रिवायत है। लेकिन उलमाए कराम ने कहा ये हजरत आयशा ने जो बयान किया है कि हमने अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम को रमदान के अलावा किसी महीने का पूरा रोजा रखते हुए नहीं देखा या शाबान में आप सबसे ज्यादा रोजा रखते थे, ये हजरत आयशा के देखने पर महमूल किया जाएगा कि हजरत आयशा ने जितना देखा रजी अल्लाह ताला नहा उतना बयान किया, वरना उमूमी तौर पर इस रिवायत को देखते हुए ये बात कही जा सकती है कि माह मुहर्रम का रोजा पूरे महीने का रोजा नफली रोजा है और अफजल तरीन रोजा है। बहरकैफ हम मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को चाहिए कि हम में से जिसे तौफीक मिल जाए, जिसे अल्लाह मौका दे दे, वो पूरे महीने का रोजा रखे, कोई हरज नहीं है, क्योंकि रोजा अल्लाह ताला और ये नफली रोजा है, रोजा अल्लाह ताला से करीब कर देने वाली इबादत है, रोजा वो इबादत है जिसे अल्लाह ताला बहुत ही पसंद फरमाता है। यहां तक कि हदीस कुदसी है अस्सौमुली वाना अर्जीबी, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका बदला रखता दूंगा। और अगर पूरे महीने का रोजा नहीं रह सकता है तो ये बात इस बात की जरूर कोशिश करें, इस बात की जरूर कोशिश करें कि मुहर्रमुल हराम का महीना जो हराम महीनों में से एक महीना है, जिसकी निस्बत अल्लाह ताला ने अपनी तरफ की है, जिसको जिसमें खुसूसियत के साथ अल्लाह ताला ने जुल्म और ज्यादती कत्ल और गारतगरी को हराम करार दिया है, इस माह मुहर्रम के अंदर कसरत के साथ ज्यादा से ज्यादा रोजा रखे। सामईन किराम मुहर्रमुल हराम की दसवीं तारीख को आशूरा कहा जाता है। मुहर्रम की यह दसवीं तारीख को आशूरा कहा जाता है और आशूरा की खुसूसियत हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आई है, बल्कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के रोजे की फजीलत और खुसूसियत भी बयान फरमाई है, बल्कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा जो दसवीं मुहर्रम को कहा जाता है, इस मुहर्रम दसवीं मुहर्रम के रोजे की जहां फजीलत बयान की है वहीं पर हमें और आपको तरगीब दिलाया है, शौक दिलाया है, उभारा है कि हम इस माह मुहर्रम के आशूरा का रोजा रखें, आशूरा का रोजा रखें, दसवीं मुहर्रम का रोजा रखें और सुन्नत रसूल हाशमी के मुताबिक नवी मुहर्रम का रोजा रखें। पूरे मुहर्रम के अंदर पूरे महीने का रोजा रमजान मुबारक के बाद ये अफजल रोजों में से है, लेकिन खुसूसियत के साथ याद रखें आशूरा का रोजा और कैलेंडर देख करके निशान लगा ले, आशूरा दसवीं मुहर्रम और नवीं मुहर्रम, आशूरा तो दसवीं मुहर्रम को कहते हैं, तासुआ ये नवीं मुहर्रम को कहते हैं, आशूरा का रोजा और तासुआ का रोजा इसकी खुसूसियत के साथ अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम किया है, इसके रखने पर हमें और आपको तरगीब दिलाई है, शौक दिलाया है और उभारा है, बल्कि आपको मालूम होना चाहिए कि रमजान मुबारक के रोजों के फर्ज होने से पहले आशूरा का रोजा फर्ज और वाजिब था, आशूरा का रोजा ये फर्ज और वाजिब था, चुनाचे आशूरा के रोजे की फजीलत आप सुनिए।
असुरा, हाय रे हाय, आज मुसलमानों ने दसवीं मुहर्रम को शिर्क अकबर का दिन बना लिया, मेले ठेले का दिन बना लिया, नाच और गाने का दिन बना लिया, मर्सिया गाने का दिन बना लिया, साहबे कराम पर लांग तान करने का दिन बना लिया, हजरत हसन और हुसैन का स्टेचू बनाकर ताजिया दारी का दिन बना लिया। कितना दूर है आज का ये अनपढ़ समाज और मुसलमान आशूरा के दिन की फजीलत से और सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से। मेरे मुसलमान भाइयों और मेरी माँ और बहनों, आशूरा के दिन अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम ने रोज़ा रखा है और रोज़ा रखने का हुक्म दिया है। वो एक अहम तरीन इबादत है जो हमें और आपको इस अमल के करने के बाद अल्लाह ताला की तौफीक से अल्लाह से करीब करेगी। ये ऐसी इबादत है। आइए इख्तिसार के साथ हम सुने आशूरा के दिन या दसवीं मुहर्रम की फजीलत को। सामईन किराम, खवातीन मिल्लत, अजीज बच्चों और बच्चियों, आशूरा यानी दसवीं मुहर्रम का दिन वह दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाली उनकी कौम को निजात दिया था फिरौन के जुल्म और इस्तिबदाद और उस फिरौन के जुल्म ज्यादती से, और फिरौन को गर्क आब किया था, डुबोया था। याद रखो आशूरा का दिन दसवीं मुहर्रम का दिन वो दिन है जिस दिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फिरौन के जुल्म ज़ाती से छुटकारा और निजात दिया था और आने वाले लोगों को की इबरत और नसीहत के लिए फिरौन को दरिया के अंदर गर्क आब और डुबोया था। चुनाचे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आशूरा यानी दसवीं मुहर्रम का रोजा रखा था, और हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी दसवीं मुहर्रम का रोजा रखा। हजरत मूसा से आपका करीबी रिश्ता नबूवत की वजह से रहने की वजह से। चुनाचे हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा कहते हैं कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने देखा कि यहूदी लोग दसवीं मुहर्रम को आशूरा के दिन रोजा रखते हैं। चुनाचे यहूदियों से पूछा गया कि भाई तुम लोग दसवीं मुहर्रम को रोजा क्यों रखते हो, वजह क्या है? तो यहूदियों ने कहा कि दसवीं मुहर्रम का दिन वो दिन है जिस दिन अल्लाह ताला ने हजरत मूसा और बनी इसराइल को फिरौन पर गलबा अता किया था, जीत अता की थी बनू इसराइल को और मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के जुल्म इस्तिबदाद और ज़ाती से निजात दिया था और फिरौन को डुबोया था। चुनाचे इस दिन की ताज़ीम करते हुए, इस दिन की अजमत का एतराफ़ करते हुए हम लोग दसवीं मुहर्रम को रोज़ा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहनु अवला बिमूसा मिनकुम फअमरा बिसियामी, हम मूसा से ज्यादा करीब हैं, हमारा ज्यादा हक बनता है कि हम मूसा के सुन्नत को अपनाए। फअमरा बिसियामी, चुनाचे अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के
रोज़ा रखने का हुक्म सादिर फरमाया और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम ने हुक्म दिया अपने सहाबे किराम को आशूरा यानी दसवीं मुहर्रम का रोज़ा रखने का। और ये रिवायत मुत्तफ़क अलैह सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है। सही मुस्लिम की एक रिवायत में इस तरह है, फसामहु मूसा शुक्रन, हस्ते मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बे दो जहां का शुक्रिया अदा करते हुए आशूरा यानी दसवीं मुहर्रम का रोजा रखा। फनहनु नसूमु, यहूदियों ने कहा चूंकि मूसा ने रखा था इसलिए हम इस दिन का रोजा रखते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा का रोजा रखा और आशूरा के रोजा रखने का हुक्म दिया। ये आशूरा के रोजे की फजीलत है। हज़रत मूसा को निजात दी मिली, छुटकारा मिला था और अल्लाह के रसूल अकरम ने आशूरा के यानी दसवीं मुहर्रम का रोजा रखने का हुक्म दिया। कभी मौका मिला तो मैं बतलाऊंगा, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहर्रम की दसवीं तारीख को रब का शुक्र अदा करते हुए अल्लाह की कुर्बत हासिल करने की खातिर खुद आशूरा दसवीं मुहर्रम को रोजा रखा, अपनी उम्मत को भी रोजा रखने का हुक्म दिया। और बाद में बात आ रही है इस रोजे का बहुत बड़ा अजर और सवाब भी बयान किया, लेकिन आज हमारे मुस्लिम समाज और सोसाइटी के अंदर शियों का दीन, शियों का रस्मो रिवाज फैलने की वजह से आज कितनी लापरवाही और सुस्ती है आशूरा दसवीं मुहर्रम के रोजे के सिलसिले में। आज हमारे मुल्कों में दसवीं मुहर्रम को सिर्फ ताजियादारी ही नहीं की जाती है, सिर्फ झूठे मर्सिए ही नहीं गाए जाते हैं, सिर्फ साहबे कराम पर लानोतान नहीं किया जाता है, सिर्फ तबर्राबाजी नहीं की जाती है, बल्कि आशूरा का रोजा जो सुन्नत रसूल हाशमी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसका एहतमाम हर सुन्नी मुसलमान और हर सुन्नी मुसलमान मर्द और औरत को करना चाहिए। जहालत का आलम यह है, शियों के तालीम का गलबा इस तरह है, सूफियों का चलन इस तरह है कि आज दसवीं मुहर्रम को हमारे मुल्कों के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बेशतर गांव और शहर और एरिया के अंदर सबीलें चलाई जाती हैं। तौबा तौबा अस्तगफुरल्लाह, लानत हो तुफ हो ऐसी सबीलों पर जिस दिन रोजा रखने का रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है, उस दिन लोगों को शरबतें पिलाई जाती हैं चौराहों और सड़कों पर। हाय हाय रे जहालत, हाय रे नादानी, हाय रे बिदअतें और खुराफात। और जब इस पर टोका जाए तो मुख्तलिफ अंदाज से नारवा सलूक टोकने वालों के साथ किया जाए। सुनो मुसलमानों, अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दसवीं मुहर्रम को सबीलें नहीं चलाई हैं, खाना नहीं बंटवाया है, मरसिया नहीं गाया है, ताजिया नहीं निकाला है, सद्दा नहीं निकाला है, साहबे कराम पर लानो तान नहीं किया है, बल्कि साहबे कराम को बुरा भला कहने से सख्ती के साथ रोका है, तबर्राबाजी नहीं की है, सीना को भी नहीं किया है, गाल नहीं नोचा है, गिरेबान नहीं चाक किया है, बल्कि हमारे प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आशूरा के दिन दसवीं मुहर्रम को रब की कुर्बत हासिल करने की खातिर रोजा रखा है और अपनी उम्मत को दसवीं मुहर्रम का रोजा रखने का हुक्म दिया है। चुनाचे मेरी मां और बहनों और सामईने किराम, आप देखिए सही बुखारी और सही मुस्लिम की रिवायत है, अम्मा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करते हुए फरमाती है, कानत आशूरा यौमन तसुमहु कुरैश फिल जाहिलिया, दसवीं मुहर्रम का दिन वो दिन था कि जमाने जाहिलियत में भी
कुरैश वाले रोजा रखते थे। वकान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यसूम, और अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दसवीं मुहर्रम को रोजा रखते थे। फलम्मा कदिमल मदीना सामा, तो जब अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ लाए तो आपने दसवीं मुहर्रम को रोजा रखा। वो अमर नास बिस्सियामी, और लोगों को आशूरा का रोजा रखने का हुक्म दिया। फलम्मा नजलत फरीदत शहर रमदान, लेकिन जब रमदान मुबारक के माह रमदान मुबारक के रोजे की फर्जियत उतरी, काना रमदान हुआ लदी सुमहु, तो अल्लाह के रसूल रमदान मुबारक के महीने में रोजा रखते थे। फतरका सौम आशूरा, और अल्लाह के रसूल ने आशूरा का रोजा रखना बंद कर दिया और आपने फरमाया फमन शा सामा वमन शा अफ्तर, जो चाहे आशूरा का रोजा रखे और जो चाहे आशूरा का रोजा तोड़ दे। इस हदीस पाक से यह बात बतलाना चाहता हूं कि पहले आशूरा का रोजा फर्ज था, लेकिन बाद में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम ने इख्तियार दे दिया, जो चाहे आशूरा का रोजा रखे और जो चाहे आशूरा का रोजा ना रखे। ये रिवायत बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की है। इससे पता चला कि आशूरा का रोजा दसवीं मुहर्रम का रोजा रखने पर हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उभारा है और इस पर ताकीद की है। चुनाचे सही मुस्लिम की एक रिवायत ये भी सुन लीजिए, इन आशूरा यौम मिन अय्यामिल्लाह फमन शा असामा वमन शा तरका। आशूरा यानी दसवीं मुहर्रम ये अल्लाह के दिनों में से खुसूसियत के साथ एक दिन है, चुनाचे जो चाहे रोजा रखे और जो चाहे रोजा ना रखे। बल्कि अल्लाह के रसूल अकरम सन के एक रिवायत से पता चलता सही मुस्लिम की रिवायत, फमन अहब मिनकुम अय्य सोमा फलयसुम, तुम में से जो शख्स आशूरा का रोजा रखना चाहे वो रखे और जो नहीं रख सकता है वो तोड़ दे। ये सारी रिवायतें इस बात की तरफ रहनुमाई करती हैं कि आशूरा का रोजा फर्ज और वाजिब नहीं है, लेकिन ये सुन्नत है। अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी है बल्कि उभारा है ताकि हम और आप अल्लाह की कुर्बत हासिल करने के लिए रोजा रखें। साथ ही साथ एक बात और जान लीजिए, सुन्नत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है, आपने इस पर उभारा है कि खाली दसवीं मुहर्रम का रोजा ना रखे तो बेहतर है, उसके साथ नवीं मुहर्रम को भी मिला ले, गोया नौ मुहर्रम और दस मुहर्रम को रोजा रखे, क्योंकि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी उम्र में यह अज़्म और इरादा किया था कि हम खाली आशूरा का रोजा नहीं रखेंगे, खाली दसवीं मुहर्रम का रोजा नहीं रखेंगे, बल्कि दसवीं मुहर्रम के साथ साथ हम नवीं मुहर्रम को भी रोजा रखेंगे, जैसा कि अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम ने फरमाया फैदा का नामुल का मुकबिल इंशाल्लाह सुन्नता से, अगले साल अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो हम नवीं मुहर्रम को वो रोजा रखेंगे। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। गोया अफजल और बेहतर ये है कि आदमी खाली दसवीं मुहर्रम को रोजा न रखे बल्कि इस सही रिवायत के मुताबिक नवमी और दसवीं दो तारीख को रोजा रखे ताकि यहूदियों की मुखालफत हो जाए। यहूदी और नसरानी ये खाली दसवीं मुहर्रम की ताजीम करते थे, खाली दसवीं मुहर्रम को रोजा रखते थे, और बहुत सारे मामले में अल्लाह के रसूल अकरम सल्लम ने हमें अहले किताब यहूदो नसारा की मुखालफत करने का हुक्म दिया है। चुनाचे हम नबी करीम सल्लम के इस आरजू और अजम इरादे के मुताबिक कि अगर मैं अगले साल जिंदा रहा तो मैं नवी मुहर्रम को भी रोजा रखूंगा,
चुनाचे नवी मुहर्रम को भी रोजा रखे। उलमाए कराम ने कहा है कि चाहे नवी मुहर्रम और दसवीं मुहर्रम को रोजा रखे या दसवीं और ग्यारहवीं मुहर्रम को रोजा रखे। और अल्लामा इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा कुबरा के अंदर बयान फरमाया कि अगर कोई आदमी खाली दसवीं मुहर्रम ही को रोजा रखे तब भी ये मकरूह और नापसंदीदा अमल नहीं है। लेकिन सामईन कराम अहादीस की रोशनी में ये कहना गलत नहीं है कि 9 और 10 मुहर्रम को रोजा रखना ये अफजल तरीन अमल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें और आपको इस नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह अजीज वक्त खत्म हो गया, इंशाअल्लाह अजीज कल के दर्स में अगर अल्लाह ने मौका दिया तो मैं आशूरा के रोजे की फजीलत और फिर हमारे मुस्लिम समाज के अंदर जो मुहर्रम के महीने में खास तौर पर दसवीं मुहर्रम को जो शिर्क बिदअत और कुफर का नंगा नाच नाचा जा रहा है, जिसको बहुत सारे मुसलमानों ने बदकिस्मती से जिहालत से दीन और शरीयत समझ लिया है, सुन्नत रसूल समझ लिया है, उसके बारे में इंशाअल्लाह अजीज कल या कल के बाद वाले दर्स में रोशनी डालूंगा। अल्लाह रब तो हमें मालूम हुआ कि मुहर्रम का महीना ये अफजल महीनों में से है, हराम महीनों में से है। इसकी निस्बत अल्लाह के अल्लाह ताला की तरफ की गई है, इसके अंदर खसूसियत के साथ हर तरह के जुल्म ज़्यादती को हराम करार दिया गया है और आशूरा के रोज़े पर अल्लाह के रसूल ने उभारा है। शुरू इस्लाम में आशूरा का रोज़ा रखते थे और इसी तरीके से जमाने जाहिलियत में कुरैश वाले भी रोज़ा रखते थे और जब रमज़ान मुबारक का रोज़ा फ़र्ज और वाजिब हो गया तो अल्लाह के रसूल ने इख्तियार दिया जो चाहे आशूरा दसवीं मुहर्रम का रोज़ा रखे और जो चाहे ना रखे, इख्तियार है, सुन्नत है, नफल रोज़ा है। और अफजल और बेहतर ये है कि 9 और 10 मुहर्रम को रोज़ा रखा जाए या 10 और 11, लेकिन सबसे अफजल और सबसे मुस्तद बात है 9 और 10। और अल्लामा इब्ने तैमिया के इज्तिहादी कौल के मुताबिक अगर कोई शख्स खाली दसवीं मुहर्रम को रोज़ा रखे तो इसकी भी गुंजाइश उलमा में रखी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको शरीयत इस्लामिया की सच्ची तालीम से मालामाल फरमाए और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु व जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा।